हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स तो आज हम इकोनॉमिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में ये दोनों टर्म्स डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती हैं ये टर्म्स ये डिफ़ाइन करती हैं कि डिमांड में अदर फैक्टर्स में चेंज आने से कैसे चेंज आता है इन टर्म्स को समझने से पहले हमें डिमांड कव का मीनिंग पता होना चाहिए कि डिमांड कव होता क्या है तो डिमांड कव क्या है जो किसी कॉमोडिटी के प्राइस और उसके अगेंस्ट जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है मार्केट में उसके रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं डिमांड कर्व दिस कर्व इज़ इफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसीलिए ही हमारे जो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व है और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व है इन दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है डिमांड में चेंज क्या हो रही है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब किसी कॉमोडिटी की डिमांड प्राइस में चेंज आने से चेंज uh, हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं मोमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व ऑन द अदर साइड जब हमारी कॉमोडिटी की डिमांड अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हो रही है प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनसे चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म दैट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व ये हमारा डिमांड कर्व के ऊपर ही क्या चेंज आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है जब किसी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में चेंज आने से कर्व के ऊपर पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सो इन अदर वर्ड्स इट कैन ऑल्सो बी सेट दैट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी विद द चेंज इन इट्स प्राइज एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट इट मीन्स जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं प्राइज के अलावा हम उनको कॉन्स्टेंट एज्यूम uh, कर रहे हैं कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है और उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रेक्शन ऑफ डिमांड में क्लासिफाई कर सकते हैं सो फर्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जब हमारी कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है विद फॉल इन इट्स प्राइस इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अदर थिंग्स इक्वल एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि बढ़ रहा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड बढ़ रही है और जब प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड तभी बढ़ेगी तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज मार्केट में आइसक्रीम का प्राइस रुपीज़ ट्वेंटी है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस प्राइस के अगेंस्ट फाइव यूनिट्स हैं जब उस आइसक्रीम का जो प्राइस है डिक्रीज़ होकर रुपीज़ टेन रह जाता है तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे डिमांड इनक्रीज़ करेंगे क्योंकि अब उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो डिमांड इनक्रीज़ होकर फाइव यूनिट्स कितनी हो जाएगी टेन यूनिट्स तो अगर हम इस आ, इसको ग्राफिकली इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को देखें तो वहाँ पे वही डिमांड पे जब हमारी जो प्राइस था वो ट्वेंटी था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी फाइव यूनिट्स देट वॉज़ पॉइंट ए और जैसे हमारा प्राइस डिक्रीज होकर टेन यूनिट्स हुआ और क्वान्टिटी डिमांड टेन यूनिट्स हुई तो हमारा जो पॉइंट है शिफ्ट होकर कहाँ आ गया बी पे ऑन द सेम डिमांड कर्व डी डी सो सो इट मीन्स कि जब हमारा पॉइंट हायर से लोअर की ओर शिफ्ट करता है ऑन द सेम डिमांड कर्व उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड नौ द सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ़ डिमांड ये उसका ऑपोजिट है कॉन्ट्रेक्शन मीन्स कम होना जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और उससे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड प्रोवाइडेड अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं सपोज़ आइसक्रीम का प्राइस टेन है तो क्वान्टिटी डिमांडेड भी टेन है अब उसी आइसक्रीम का प्राइस इंक्रीज हो जाता है मार्केट में टेन से ट्वेंटी रुपीस तो जो उसकी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास जो परचेजिंग पार थी वो अब क्या है कम हो गई है तो अब टेन से वो फाइव यूनिट्स जो उनकी डिमांड है फाइव यूनिट्स रह जाएगी अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो पहले हमारा ए पॉइंट मार्केट uh, सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था जब प्राइस टेन था और क्वांटिटी डिमांडेड भी टेन थी अब प्राइस इंक्रीज होकर जब ट्वेंटी हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी टेन से फाइव यूनिट्स तो पॉइंट ए से बी की ओर शिफ्ट कर गया सेम डिमांड कर्व डी डी पे तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा पॉइंट लोअर से अपर की ओर या हायर पॉइंट पे शिफ्ट होता है ऑन द सेम डिमांड कर्व दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड

उसकी डिमांड प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उससे भी अफ़ेक्ट होती है तो जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज आने से क्वान्टिट्टी क्वाटिटी uh, की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर और प्राइस के अलावा जो हमारे अदर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है आ, कोई एमरजेंसी की पॉसिबिलिटी है तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं डिमांड को फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंज्यूमर्स की मार्केट में इनकम इंक्रीज़ होगी अब जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी अब वो एबल हैं कि वो ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं तो इससे क्या होगा मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा तो जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर से डिमांड इफेक्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट में फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व जब किसी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन द प्राइस प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें कुछ भी चेंज होने से डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है किसी कॉमोडिटी की तो वो क्या है फॉरवर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है इट मींस कि इवन हमारे प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है कांस्टेंट प्राइस है मार्केट में पर हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या है फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर फॉर एग्जाम्पल सपोज प्राइस जो आइसक्रीम का है मार्केट में टेन है और उसके अगेंस्ट जो क्वान्टिटी डिमांडेड है वो फाइव यूनिट्स हैं अब प्राइस टेन ही है ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर मे बी इनकम मे बी मार्केट सिचुएशन मे बी सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में तो डिमांड जो है इंक्रीज होके टेन यूनिट हो गई फाइव से अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो पहले हमारा ए पॉइंट था मार्केट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था टेन प्राइस था फाइव यूनिट्स डिमांड थी अब सेम टेन रुपीज़ प्राइज पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई है टेन यूनिट्स तो हमारा पॉइंट ए से बी की ओर शिफ्ट कर गया है अब पॉइंट तो शिफ्ट किया ही गया हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट किया है डी वन से डी टू की तरफ तो इसको हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट right की ओर शिफ्ट कर रहा है वो बाहर की ओर शिफ्ट कर रहा है तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व बोलते हैं नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द रीज़न्स फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अब डिमांड कर्व कब 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 फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है सबसे पहले प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस जब सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लोग जो हैं इन गुड्स की जो डिमांड uh, है उसको इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि अब वो सब्सिडी गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते सेकेंड इज़ इंक्रीज़ इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स की जब कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो उनकी परचेजिंग पार को भी बढ़ाएगी तो जब परचेजिंग पार कंज्यूमर्स की बढ़ रही है तो वो अपनी डिमांड भी इंक्रीज़ करेंगे थर्ड इज़ प्राइज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक साथ कंज्यूम की जाती हैं और उनमें किसी एक की प्राइस में डिक्रीज़ आने का मतलब है कि दोनों की डिमांड में इंक्रीज आना फोर्थ इज कि फ़ैशन और क्लाइमेट में ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि लोगों की जो कंज्यूमर्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो कॉमोडिटी के फेवर में हो रही हैं फिफ्थ इज़ कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन फ्यूचर जो हमारी कॉमोडिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन ड्यू टू कोविड नाइन्टीन इसमें यही चीज़ें तो हुई कि लॉकडाउन लग गया लोगों को ये था कि पता नहीं हमें गुड्स अवेलेबल होंगी इन फ्यूचर कि नहीं तो उन्होंने इन आ, बल्क पर चीज़े करनी शुरू कर दिया कि हमें इन फ्यूचर अगर गुड्स ना भी मिलें तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें तो एक पॉइंट पर उनकी जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्राइज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था उसके अगेंस्ट नाउ द सेकेंड इज़ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कप जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है ड्यू टू तो चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द दे प्राइस सो उसको हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट यहाँ पे भी कॉमोडिटी का प्राइस सेम ही रहता है लेकिन डिमांड डिक्रीज होती है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल किसी आइसक्रीम का प्राइस टेन है और क्वान्टिटी डिमांड टेन यूनिट्स है अब प्राइस कॉन्स्टेंट पे ही ड्यू टू तो चेंज इन एनी अदर फैक्टर डिमांड जो है डिक्रीज होकर फाइव यूनिट्स हो जाती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ए से बी डिमांड कर्व है डी वन से डी टू की ओर शिफ्ट कर जाएगा और पॉइंट ए से बी की तरफ तो इसको हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ़्ट की ओर अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा है और जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इसके भी हैं कि ये कब कब हो सकता है जब प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज़ जब सब्सटिट्यूट गुड्स जो हैं उनके uh, उनका प्राइस गिर रहा है तो लोग सब्सिट्यूट गुड्स की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे बजाय इन यूनिट्स के इन गुड्स के सेकेंड इज़ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स की इनकम कम हो रही है तो ऑब्वियसली उनकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी उनके पास परचेजिंग पा ही नहीं बचेगी द प्राइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेज़ जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी एक का भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो दूसरे की जो डिमांड है ख़ुद ब खुद बेखुद कम हो जाती है फोर्थ इज़ कि फैशन क्लाइमेट में ऐसे चेंजेस आ रही हैं कि कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफ्रेंस तो चेंज हो रही हैं लेकिन वो जो कॉमोडिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट हैं उनके फेवर में है ही नहीं एंड फिफ्थ इज़ कि ये सोचा जा रहा है कि हमारी जो कॉमोडिटीज हैं इन फ्यूचर ज़्यादा अवेलेबल होंगी तो तब हमारी डिमांड करना ज़्यादा बेटर होगा तो आज हमने क्या पढ़ा कि डिमांड कर्व क्या होता है डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द क्वांटिटी डिमांडेड Of a commodity with the change in its price, assuming other factors constant. Is classification, extension of demand, and contraction of demand, then shift in the demand curve. It represents the shift of the de demand curve from one place to another due to change in factors other than the price of the commodity. Then we I mean, classification, classification forward shift in the demand curve and backward shift. And the reasons for both these shifts. So, it was all about today's topic. If you like this video, like, comment, and share. And if you have any doubt or you want to ask anything, ask us in comments. And don't forget to subscribe our channel. Thank you.